अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जो आज हम बात करने वाले, आज जुमा का रोज़ है माशाल्लाह। तो हम एक कवाली डालने वाले फ़कीर मोहम्मद की आवाज़ में, माशाल्लाह ख्वाजा ख्वाजा के जो शान में एक कवाली गाए फ़कीर मोहम्मद ने, जो अजंता के कवाल है हमारे। तो माशाल्लाह आपको पूरे लास्ट तक देखना चाहिए, हमारे जो हमारी न्यूज़ हमारे जो अजंता न्यूज़ को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हर तरीके का प्रोग्राम अजंता में, जो भी प्रोग्राम हुआ तो माशाल्लाह हर तरीके का प्रोग्राम हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करिए अजंता न्यूज़ के ज़रिए। अजंता न्यूज़ को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बुलवार या मुरे ख्वाजा जी, ते अजी मेरी से बंटती है दौलती। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो माशाल्लाह आज हम तुमको फ़कीर मोहम्मद साहब से, जो बहुत ही प्यारी आवाज़ है इनकी माशाल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, उनसे मिलाने जा रहे हैं हम। उनकी कवाली है जो ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में उन्होंने पढ़े। कवाली कौन सी कवाली पढ़े फ़कीर मोहम्मद साहब? उसने रुके ख्वाजा का हर शख्स है दीवाना, वो सब में हिदायत है मखलूक है परवाना। हम फ़कीर मोहम्मद साहब से जो कवाल है हमारे, उनसे हम हर जो आपको हर जुमा के रोज़ एक एक जो कवाली उनके आवाज़ में, बहुत ही प्यारी आवाज़ है उनकी, उनके आवाज़ में कवाली। आज जुमा है तो माशाल्लाह आज भी अपलोड करने वाले हैं हम कवाली उनकी, बहुत ही प्यारी खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने जितनी बेहतरीन अंदाज में जो कवाली गाए उन्होंने, तो आप भी लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए। क्या बोलना चाहिए तुम, तुम्हारी इतनी प्यारी मीठी आवाज़ है माशाल्लाह। ये आवाज़ तो अल्लाह की एक देन है, कुदरत है, वो जो चाहे जिसे अपना इनाम दे सकता है। ये गॉड गिफ्ट है ये हरि भाई, और ये हम जो कुछ भी है आज यहाँ, हमारे भाई थे दोस्त सादत भाई साथ, आप मौजूद थे ना जब उनका इंतकाल हुआ? जी मौजूद। प्रोग्राम कहाँ कर रहे थे? प्रोग्राम वाशिंग, वाशिंग में। अच्छा, तो उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप, सादत कवाल साहब के बारे में, जो हमारे आज इस दुनिया में नहीं रहे, कवाली गाते गाते इंतकाल हो गया उनका, क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम है उनके बारे में। वो चाँद इकबाल के शागिर्द थे और बहुत अच्छे कव्वाल थे वो, मगर किस्मत ने उनकी मौत वाशिंग में रखी थी। हम गए और वो ये शेर बोले, तन में अली अली है, जहन में अली अली, मर जाओ अगर तो लिख देना कफन पे अली अली। भी है आज यहाँ हमारे भाई थे दोस्त सादत भाई, जिनको सादत निज़ामी के नाम से जाना जाता था, और वो हमारे भाई का इतना एहसान रहा हमारी ज़िंदगी के लम्हे में। उन्होंने हमारे साथ क्या नहीं किए आज हरि भाई, हम तुमको क्या बताएं। हम कुछ नहीं थे, हम 13 साल की उम्र से जो है तो उनके साथ में प्रोग्राम करा करते थे और हमेशा जहा करते थे। अब ज़िंदगी के ऐसे कुछ लम्हात सामने आए कि हम सोच भी नहीं सकते। और वाशिंग के अंदर प्रोग्राम मेरे भाई सादत का ये हो रहा था, होते होते हैं वो उनका हार्ट आ गया उनको, और वो जगहों पे जो है तो इस दुनिया से रुखसत हो गए। और वो शेर ये था, तन में अली अली है, जहन में अली अली, मर जाओ घर तो लिखना कफन पर अली अली। माशाल्लाह, ये तो उनका कवाली गाते गाते इंतकाल हुआ गया। हाँ, ये शेर पढ़ते पढ़ते इंतकाल हुआ, ये शेर पढ़ते पढ़ते इंतकाल हो गया। और उसने मुंडी डाल दी नीचे, और जब मैं पीछे बोलते रहा उसके बाद। आप भी मौजूद थे उसमें? हाँ जी मौजूद था मैं। अच्छा, बुलवार या मुरे ख्वाजा जी, ते अजी मेरी से बंटती है दौलती, जो जमाने में आती है मदीने से ख्वाजा के खजाने में, के जब उसे मेरे ख्वाजा ने अजमेर बसाया है, वहदती के नजारों को फूलों से सजाया है, कि तुम्हारी आज भी एक रहमती है या गरीब नवाज, दिलो दिमाग की जन्नती है या गरीब नवाज, के मेरे कलाम की महफिल
आज रख लेना, सुना ये भी इबादती है या गरीब नवाज़।